जो लहसुन एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि 35,035 रुपए प्रति क्विंटल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज है 6 सितंबर 2024 और पीपीएम मंडी से जान लेते हैं लहसुन के भाव कितने की आवक है, कितनी क्या तेजी मंदी है। तमाम प्रकार की चर्चा के लिए हमारे साथ भूमि और परिधि ट्रेडर्स से ब्रिज मोहन जी महेश्वर सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। धन्यवाद शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी रॉयल किसान फैमिली का धन्यवाद। जी शिवराज, तो सर कितने की आवक है और कितने का तेजी मंदी है आज? शिवराज जी, अगर अपन आवक की बात करेंगे तो 5,000 कट्टे मंडी के अंदर है जी, और लगभग 10-15 वाहन प्रतीक्षा में है। जी, जो कि दोपहर में बिक जाएंगे। जी, शनिवार रविवार की छुट्टी होने के कारण शायद आज माल ज्यादा नहीं आया है। जी, बाकी माल टोटल लगभग सभी बिक जाएगा आज। जी शिवराज जी, और अगर अपन तेजी मंदी की बात करेंगे तो बाजार लगभग समान है। जी, बाजार में कोई कमी नहीं है। नीचे में अगर हल्के माल की अगर अपन बात करें तो बिल्कुल बारीक छवि 16,000-16,500-17,000 तक आदमी ने खरीदने लिए। जी, और अगर मीडियम की बात करेंगे तो 18,000-19,000 मीडियम बिक्री, एवरेज टाइप की। सुपर मीडियम की बात करेंगे तो 20,000-20,500-21,000 तक मीडियम बिक्री है। जी, अगर ऊपर में मोटे माल की बात करेंगे शिवराज जी, तो मोटे माल बिक रहे हैं ऊपर में 28,000 रुपये से लेकर 32,000-33,000 तक मोटे माल बिक रहे हैं। तो बाजार में तो कहीं से कहीं अभी आज तो कमी नहीं है और रौनक बरकरार है। जी शिवराज जी, जी जैसा कि अभी देखने को आ रहा है कि जो चाइना लहसुन है बड़ी बल्क मात्रा में अपने देश में आ चुकी है। बहुत सारे जैसे कि बिहार, झारखंड, मुंबई, गुजरात में काफी ज्यादा चाइना लहसुन आ गया, इसके लिए आपका क्या विचार है? शिवराज जी, अगर चाइना लहसुन वास्तविकता में अगर आ रहा है तो उसको बॉर्डर पे बैन करना चाहिए। जी शिवराज जी, और उसको रोकथाम करनी चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि चाइना लहसुन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। जैसा कि हमारे डॉक्टर लोग जो है अपने देश के, इन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने पता चला कि बड़ी हानिकारक चीज है। शिवराज जी, एक विडंबना सामने देखने को मिलती है जी, जहाँ पे गुटखे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पाउच पे खुला लिखा रहता है कि इसको पीने से, इसको खाने से कैंसर होता है, वहाँ बड़ी विचार वाली बात है। खैर, वो कोई मैं उसका वो नहीं कर रहा हूँ। जी ठीक है, चाइना लहसुन देना होनी चाहिए। जी शिवराज जी, जी अभी थोड़ा सा देखने को आ रहा है, आजकल बहुत सारा ट्रेंड चल चुका है कि मंडियों को बंद किया जाएगा चाइना लहसुन के विरोध में, तो ये आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मंडी बंद होने से क्या ये सोल्यूशन निकलेगा या फिर किसानों को नुकसान होगा? शिवराज जी, आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, मंडी बंद अगर यहाँ लोकल मंडी जैसे पिपलिया हो गई, मंसूर हो गई, नीमच हो गई, इन मंडियों को बंद करने से सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इन मंडियों में चाइना लहसुन नहीं आ रहा है। जी आपको बता दूं मैं, जिस जगह जिस स्टेशन पे चाइना लहसुन आ रहा है, वास्तविकता में आप जिस व्यापारी के यहाँ पकड़ में आ रहा है उस व्यापारी को ऊपर एक्शन करिए, जिस बॉर्डर से आ रही है उस बॉर्डर को ऊपर आप एक्शन करिए। बाकी यहाँ लोकल मंडी बंद करने से, किसानों को परेशान करने से उन चीज में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो 20,000 से लेकर के 32,000-33,000 के ऐतिहासिक भाव अपने को अगस्त सितंबर में मिल रहे हैं, किसानों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि अगस्त सितंबर में ये भाव ले जा रहे हैं वो। जी तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए मंडियां बंद करना कोई सोल्यूशन है। इस मंडी बंद करने का सोल्यूशन भी किसान परेशान होता है, हमने पिछले साल भी देखा है 22 दिन तक कुछ मंडी बंद, सितंबर महीने में रही थी सर पिछली बार भी। कारण कुछ और थे। जी उस समय भी किसान बहुत परेशान हुए थे। जी तो मुझे नहीं लगता है भाई मंडी बंद करना इसका कोई सोल्यूशन है। वास्तविकता में अगर किसी व्यापारी को अगर कहीं व्यापारी के पास माल आता है तो उसको जाकर के उसकी कंप्लेन होनी चाहिए, बॉर्डर पे जाके उसकी निगरानी होनी चाहिए, ये चीज़ हो सकती है। लोकल मंडियां बंद करने से कोई मतलब नहीं है, और मैं तो किसान भाइयों को बोलूँगा मंडी में आइए, स्वागत है, मंडी वंडी तो मुझे नहीं लगता बंद होगी। अच्छा जी शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कितनी समय देने के लिए और के किसान मित्रों के लिए मार्गदर्शन। शिवराज जी, मैं तो देखता हूँ यार, देखो किसान बंधुओं को ये जो शुरू से भाव मिल रहे हैं और अभी भी जो भाव मिल रहे हैं बहुत अच्छे भाव है, बरोबर मुझे नहीं लगता है कहीं भाव में कोई कमी है। जी चाहिए, किसान मित्र पीछे भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। जी क्या आपको क्या लगता है कि ये भाव जो है, क्या भाव कम दिख रहा है? नहीं, अच्छे भाव, बहुत अच्छे हैं, भाव में कोई कमी नहीं है, संतुष्ट भाव है। 200 रुपये आज मीडियम बेच रहे हैं, इनमें जीवन में इस समय में 200 रुपये इस समय में नहीं बेचा है। जी बेचा है 250 रुपये 300 रुपये मीडियम बिका है, और मैं तो कहता हूँ कि भाई बहुत अच्छी तेजी है और सभी किसानों को और अच्छा पैसा मिले, क्योंकि एक ही उपज है किसानों के पास लहसुन। जी बाकी अभी मुझे लगता है शायद किसान बंधुओं ने सोयाबीन के लिए बहुत एक अच्छा आंदोलन किया, एक महीने से किसान सक्रिय है। मैं ये सभी किसान महासंघ को आपको ये बताना चाहूंगा, जो आप किसान महासंघ ने 6,000 के लिए सोयाबीन के लिए बहुत बड़ी अपील कही। जी बहुत बड़ी अपील करी, उस अपील के लिए कितने जो मंडी में से जैसे सोयाबीन भी खरीदते हैं, प्लांट में जो सोयाबीन खरीद रहे हैं उन लोगों ने कितना क्या सपोर्ट किया, वैसे सपोर्ट करना चाहिए। जी वास्तविकता में सोयाबीन का लागत मूल्य नहीं मिल रहा है,
तो उस जगह सबको व्यापारी को सपोर्ट करना है। जहाँ लागत मूल्य मिल रहा है वहाँ सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। जी जी, जहाँ बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है वहाँ ये ठीक है, ये विचारणीय बातें हैं ये शिवराज जी। ये सब चीज़ें अपन यहाँ करें मतलब वो पूरा खुलना या अच्छा अच्छी बात नहीं, बाकी ये विचारणीय बातें हैं। जहाँ पे व्यापारी को साथ में होना चाहिए, किसानों के लिए सोयाबीन के लिए वहाँ कोई खड़ा नहीं है, और जिस जगह जहाँ पे ऐतिहासिक भाव है वहाँ पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ है। बाकी ठीक है, चाइना को बैन करना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए चाइना के लिए, और बाकी तो बहुत अच्छा भाव लसन का मिल ही रहा है सभी भाइयों को, कोई अतिशोक्ति नहीं, और भाव अच्छा मिलता रहेगा। इसके लिए बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं सभी किसान जी, सभी का मतलब ऐतिहासिक भाव, कोई तकलीफ नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने निजी विचार रखे हैं, और ये निजी विचार भी, ये निजी विचार आपको एक बार बताओ जी, अपने निजी विचार ही चीज के लिए जी। बाकी इसको मतलब भाव बहुत अच्छे हैं, ऐतिहासिक भाव चलना चाहिए और ये भाव रहना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको सभी प्रकार की क्वालिटी के अनुसार लहसुन भाव की जानकारी देखने को मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय जवान जय किसान। जो लहसुन का एक और ये रोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि 35,035 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, 35,035 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि अच्छी व्हाइटनेस वाला और मजबूत पर्दा फिनिशिंग वाला लहसुन का लोड आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ऊंटी वेराइटी का लोड है और बहुत ही प्रीमियम फिनिशिंग किसान मित्रों देखने को मिलेगी इसमें अपने को। साइज की बात करेंगे, फुल गोला एक्स्ट्रा फुल गोला साइज अपने को देखने को मिलेगी, साइज भी बड़ी है, बाकी फिनिशिंग बड़ी लाजवाब है, पर्दा मजबूत है। 35,035 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये ऊंटी वेरायटी का एक और ये लोड बिका है, और ये किसान मित्र है जी। भाऊ जी, कैसी वेरायटी है, फर्स्ट है सेकंड, या सोयाबीन के बाद वही थी वहाँ तो अनको बीच का जो सफेद और लाया था राइट वार कटे को माले हो सेम लीग हो। अच्छा पहला बेची थी आप तो पहला के विके तो पहला के विके तो 35, 36, 37 ये चल रहे हैं। जो लहसुन का एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि 28,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, पूरे 28,000 रुपए प्रति क्विंटल, जिसमें लड्डू बटन की बात करेंगे काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, इक्का दुक्का मात्रा में फुल गोला साइज भी मिक्स देखने को मिल रही है। किसान मित्रों, माल अच्छी फिनिशिंग वाला है, जो कि पूरे 28,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, देशी लहसुन का लोट है, 28,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। लहसुन का एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो 29,101 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। साइज की बात करेंगे, इसमें अपने को लड्डू साइज काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, फुल गोला की बात करेंगे ये भी इसमें मिक्स है किसान मित्रों, जो कि 29,101 रुपए प्रति क्विंटल देशी लहसुन का ये लोड बिका है किसान मित्रों। ये माल की क्वालिटी, माल वजनदार भी अपने को देखने को मिल जाएगा। भाऊ जी, कटे को माल है, अरे बालोदा लखा बड़नगर, कैसी वैरायटी, तुलसी तुलसी। किसान भाइयों, जैसा कि आने वाला सीजन है लहसुन बुआई का, और ऐसे में अगर आप बेस्ट क्वालिटी का ऑटोमेटिक गार्लिक प्लांटर की तलाश में है, तो आप एक बार टीके एग्रो इंदौर वाले का ये गार्लिक प्लांटर दे सकते हैं, जो कि विदेशी टेक्नोलॉजी यानी कि जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसमें पूरी किसानों की सुविधा का ध्यान रखा गया है, पूरा बेल्ड मॉडल पर यह देखने को मिल जाएगा, जिसमें 150 बेयरिंग बूस्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस गार्लिक प्लांटर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। लहसुन का एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि 28,010 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, परसों पर्ची पकड़ो, 28,010 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि ऊंटी वेरायटी का लोड है किसान मित्रों। साइज की बात करेंगे, लड्डू पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, फुल गोला भी इसमें अपने को मिक्स देखने को मिल रहा है, बाकी अमूमन लड्डू है, हल्का फुल्का पुना लड्डू भी है, पर इसका जो पर्दा फिनिशिंग है बिल्कुल ही गायब है, यानी कि पर्दा फिनिशिंग कमजोर है इसमें, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कलिया खुली हुई आपको देखने को मिलेगी, जो कि दात्रा टाइप ये माल आपको दात्रा माल आपको देखने को मिल जाएगा। 28,010 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ऊंटी का एक और ये लोड बिका है। कटे को माल है भैया, गुड़बेली बड़ी बड़ी गुड़बेली। देशी लहसुन का एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि 23,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, 23,700 रुपए प्रति क्विंटल, जिसमें साइज की अगर बात करेंगे पूना लड्डू काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिला, इक्का दुक्का मात्रा में अगर लड्डू की बात करेंगे देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो मीडियम साइज की बात करेंगे तो ये भी देखने को मिल जाएगा। देशी लहसुन का लोट है और 23,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लहसुन का एक और ये लोड बिका है, 23,700 रुपए प्रति क्विंटल।
तो जो जिट्टू की एक और ये फूड माल आपको दिखाने जा रहे हैं, फूड नात्रा, हालांकि अच्छी क्वालिटी अभी मिक्स है, जो कि 21,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एक और जिट्टू वैरायटी का ये लोड बिका है, जिसमें देख सकते हैं पर्दा फिनिशिंग थोड़ी सी कमजोर होने के कारण नात्रा टाइप क्वांटिटी है। उसके अलावा जिट्टू में जो एक खास विशेषता देखने को मिलती है कली मरने की, वो इसमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। बाकी 21,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। देशी लहसुन एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि 26,213 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एक और देशी लहसुन का लोड बिका है। और पर्दा फिनिशिंग की बात करेंगे, पर्दा मजबूत आपको देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ साथ साइज की बात करेंगे, पूना लड्डू साइज देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जो छोटी साइज में जाएंगे मीडियम साइज में तो ये भी देखने को मिल जाएगा। सफेद अच्छी है, लाल पत्ते वाला है और मजबूत पर्दे वाला कड़क माल है, जो कि 26,213 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। और भाई साहब को माल कड़क माल है, भाटकड़ी मनासा के पास, मनासो छोड़ी नहीं आया, कई कारण है? बढ़िया भाव मिल रहा है। अरे बढ़िया भाव मिले, अच्छा कैसी वैरायटी है? देशी है, देशी लहसुन। अरे तो देशी लहसुन एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि 23,800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देशी लहसुन एक और ये लोड बिका है, जिसमें मीडियम पुना लड्डू आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार की माली क्वालिटी है, फिनिशिंग अच्छी है, बाकी हल्का फुल्का पर्दा थोड़ा सा कमजोर देखने को मिला है। बाकी 23,800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लहसुन का ये लोड बिका है। बाकी इसमें एक बात है, जो कली मरने की शिकायत है इसमें देखने को नहीं मिलेगी, हल्की फुल्की है, बाकी अधिकतर नहीं मिलेगी। बाकी 23,800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है किसान मित्रों। और कटे को माले देवरी खवासा। तो जो लहसुन एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि 15,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लहसुन का एक और ये लोड बिका है 15,700 रुपए, जिसमें अपने को भुंगी पुड़ी छर्री देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा जो पोचेपन की क्वांटिटी है ये भी काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी किसान मित्रों। 15,700 रुपए प्रति क्विंटल के साथ बिका है, हल्का फुल्का पर्दा फिनिशिंग कमजोर होने के कारण इसमें थोड़ी सी जो फूट माल की क्वालिटी है हल्की फुल्की देखने को मिल जाएगी, जो कि 15,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। तो देशी लहसुन एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि 17,600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, जिसमें साइज की बात करेंगे छर्री पैटर्न काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का भुंगी पुड़ी भी देखने को यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। देशी लाल पत्ती वाला लहसुन का लोड है किसान मित्रों, जिसमें भुंगी पुड़ी भी है और छर्री पैटर्न इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि 17,600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, 17,600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। साथियों लहसुन एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि 20,020 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, साइज बड़ी है पर थोड़ा सा पर्दा फिनिशिंग कमजोर होने के कारण दात्रा टाइप माल इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो कली मरने की शिकायत की बात करेंगे ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हालांकि किसान मित्र माल कमजोर है पर फिनिशिंग बराबर करके लाए हैं। और 20,020 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लहसुन का एक और ये लोड बिका है 20,020 रुपए प्रति क्विंटल। और बाबू जी को माल है, कटे को माल है, गुड़बेली को माल है, कई भाव बिके हो? 20,020। अच्छा पेला के बिके तो? पेला 18,000। कटे यहाँ मंडी में? हाँ। कदी लाया था? छह दिन पिला। जो लहसुन एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि 19,400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लहसुन का एक और ये लोड बिका है 19,400, जिसमें मीडियम साइज काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। उसके अलावा पुना लड्डू की बात करेंगे मित्रों, ये भी इसमें हल्का फुल्का मिक्स है, साथ ही साथ हल्की फुल्की छर्री की बात करेंगे देखने को ये भी मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ एक जो पोचेपन की क्वालिटी है मित्रों, ये भी अपने को इसमें देखने को मिलेगी, जैसा कि देख सकते हैं 19,400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लहसुन का एक और ये लोड बिका 19,400 रुपए प्रति क्विंटल। एक और ये फुग्गा फूट माल की क्वालिटी आपको दिखाने जा रहा है, जैसे फूट कली अभी मिक्स है, 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। एक और ये फूट माल आपको दिखाने जा रहा है, फुग्गा पोछा फूट माल, हालांकि अच्छे माल की क्वालिटी अभी काफी ज्यादा इसमें अपने को देखने को मिल जाएगी, जो कि 15,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लहसुन एक और ये लोड बिका है 15,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। लहसुन एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि 18,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एवरेज मीडियम साइज का एक और ये लोड बिका है, हालांकि इसमें छर्री साइज की बात करेंगे ये भी मिक्स है। उसके अलावा थोड़ा सा जो पोचेपन की क्वांटिटी है इसमें अपने को देखने को मिल जाएगी, कली मरने की शिकायत वाली और ये पोचेपन वाली, जो कि 18,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लहसुन का एक और ये लोड बिका है 18,500। और दिनेश जी पाटीदार सैंपल वाले किसान, ये आदरो मरवा का लागे में कहीं छाटन लाया गई? ये छटनी करके लाया,
तो चिट्टू वैरायटी की कली आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि 23,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। 23,700 रुपए प्रति क्विंटल चिट्टू वैरायटी कली है और बड़ी साइज की कली आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही धक्का मुक्का सहना पड़ता है किसान मित्रों, जब जाके आपको भाव बता पाते हैं। उसके बाद भी आप लाइक नहीं करते हो यार मित्रों, लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप। साथियों एक और अच्छी फिनिशिंग वाला देशी लाल पत्ती वाला लहसुन का लोड आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें अपने को छर्री मीडियम मिक्स देखने मिलेगी, हल्का फुल्का भूंगी बुढ़ी भी है, बाकी थोड़ी सी मीडियम साइज ज्यादा है। 19,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। 19,700 लोड की बात करें, लोड भी बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 19,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है।